दोस्तों क्यों मलेशिया ने तेजस को छोड़कर साउथ कोरियन FA-50 को चुना, इसका असली रीजन क्या है। देखिए तेजस हर एस्पेक्ट में FA-50 से बेटर एयरक्राफ्ट है। अपनी क्लास में तेजस फास्टेस्ट है, साथ ही FA-50 से ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इसके अलावा तेजस का ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर इजिली रशियन और वेस्टर्न दोनों टाइप्स के मिसाइल्स के लिए ट्यून किया जा सकता है और ये एडवांटेज और कोई जेट प्रोवाइड नहीं करता। साथ ही FA-50 की पर यूनिट कॉस्ट 30 मिलियन है एंड तेजस की 28 मिलियन। पर दोस्तों मलेशिया के इस डिसीजन के पीछे टेक्निकल डिटेल्स नहीं बट इस रीजन में चल रही जियोपॉलिटिक्स है। 2017 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने न्यू सदर्न पॉलिसी यानी कि NSP अनाउंस करी और साउथ ईस्ट एशिया साउथ कोरिया के साथ अच्छी तरह से इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हुआ और इन्हीं बेटर रिलेशंस का नतीजा है कि मलेशिया ने तेजस की जगह FA-50 को चूज किया।